नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑब्स्टेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक IUGR या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन पर बात करेंगे। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि गर्भ में जब भी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से लेकर के पूरे 9 महीने तक बच्चा लगातार वृद्धि और विकास करता रहता है। प्रेगनेंसी 2 साल से शुरू होती है, फिर 4 साल स्ट्रक्चर होती है, फिर 16 सेल, फिर 64 सेल्स, ऐसे करके ऑर्गेनोजेनेसिस की शुरुआत होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस का अर्थ है ऑर्गन का बनना। ऑर्गेनोजेनेसिस से बच्चे का हाइट और वजन प्रेगनेंसी एडवांस होते होते बढ़ता है और 9वें महीने के अंत तक एक स्वस्थ बच्चा 2.5 से 3 किलो का होता है। तो IUGR कहने का मतलब है कि उस बच्चे का वृद्धि और विकास, वजन और हाइट दोनों रिटार्डेट हो जाए, कम हो जाए। गर्भावस्था के दौरान बच्चे का वृद्धि और विकास ना हो पाए तो इस प्रक्रिया को इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या IUGR कहते हैं। ये हमको सोनोग्राफी से पता चलता है। जब भी आप सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी कराते हैं पेशेंट की, तो सोनोग्राफी में बच्चे का नॉर्मल वजन, बच्चे की नॉर्मल हाइट, ये सब आ जाती है। और IUGR भी सोनोग्राफी से ही डिटेक्ट होता है कि बच्चे का वजन प्रेगनेंसी के अनुसार नहीं बढ़ रहा है, तो इसे हम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। इसमें होम्योपैथिक मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसका मैनेजमेंट होम्योपैथी से किया जा सकता है। होम्योपैथी में थायरॉयडिनम नाम की दवा आती है, जिससे बच्चे के वृद्धि और विकास में अपन प्रोग्रेस देख सकते हैं, उसका वृद्धि और विकास फिर से शुरू हो सकता है। तो थायरॉयडिनम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर IUGR चिल्ड्रन। तो यदि आप मुझसे प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, PCOD, IUGR ऐसे किसी भी मुद्दे पर ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी में मुझसे संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर उनके जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।